खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। डेढ़ साल का मासूम बच्चा जिसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो बच्चा एक ऐसे हादसे में अब उसकी खोज चल रही है जहां प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मैं उसी दिवे सिंह के घर पे हूं और इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इस माँ को देखिए, इस माँ के आंसुओं को देखिए। ये माँ दरवाजे पर अगर कोई दस्तक होती है तो इस माँ को लगता है कि कोई अच्छी खबर उसके बारे में, उसके लाल के बारे में, बेटे के बारे में कोई लेकर आएगा। ये माँ जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में रखा और 1.5 साल का ये बच्चा, उसे आप देख सकते हो यहाँ। ये परिवार देखिए किस प्रकार अब दुख है इन पर। उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मिल जाए, बच्चे को जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा चमत्कार हो कि बच्चा जो है वो वापस मिले। आप बताएं। ये माँ मेरे पैर और मुझे भी पकड़ रही है इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं या कोई और एक अच्छी खबर इनके बेटे के बारे में ले आए। एक ही बात ये कह रही हैं कि उनके बेटे को कोई ले आए। ये माँ का दुख है। इस दुख, इन आंसुओं को जवाब कौन देगा? इनके दुख के लिए जो जिम्मेदार है उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ये माँ आज हमसे बात इसलिए कर रही है ताकि इस तरह के हादसे में और कोई बच्चा जो है या इस तरह के गटर में बच्चा ना गिरे। प्रशासन की हमसे हमारा बाबू को ना के जो के लिए आई आएगा, उम्मीद रखते आएगा। को वही है दादा को मुन के ना क्या होना रति ले जो होता है रति। अरे बच्चा आप ऐसे हो, अरे रति ले जो होता है। अरे हमारे बाबू ये दुख है देखिए। हम उम्मीद रखते हैं माता जी, हम उम्मीद रखते हैं कि आपका बेटा आएगा और आपके बेटे को एक चमत्कार घर ले आएगा। ये उम्मीद मैं रखता हूँ और आप तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी प्रशासन पर दबाव बनाना है हम बनाएंगे और आपके बच्चे को खोज चल रहा है, हम उम्मीद रखते हैं। देखिए हम इतना ही कह सकते हैं, इनका दुख हम दिखा सकते हैं। ये दुख दिखाने की हमारी कोशिश ये है क्योंकि प्रशासन की आँख खुले। प्रशासन जो एक तरह से आँख बूंद कर इस तरह गरीब लोगों को अपने हाल पर छोड़ता है, गरीब बच्चा 1.5 साल का ये बच्चा जिसे कुछ पता नहीं था, ऐसे में ये पूरे लोग यहाँ गुस्से में हैं। ये माँ दादी सिर्फ एक ही बात कह रही है कि उनके बेटे, उनके बच्चे को वापस किसी तरह कोई ले आए। उम्मीद है, उम्मीद हम भी रखते हैं, आशा हम भी करते हैं कि कोई चमत्कार हो और दिवेश वापस घर पहुंचे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इनको न्याय कब मिलेगा? इस तरह के हादसे दोबारा शहर में ना हो, दोबारा ऐसे 1.5 साल के छोटे बच्चे इस तरह हादसे के वक्त गटर में ना गिरे, इसके लिए प्रशासन क्या करेगी? अब खानापूर्ति करने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए तमाम राजनेता यहाँ पहुंचेंगे, मदद दी जाएगी, मदद की घोषणा करी जाएगी, लेकिन क्या वो मदद इनका दुख कम कर सकती है? नहीं। इसीलिए जो कोई भी इस हादसे का जिम्मेदार है उस पर ठोस कार्रवाई हो, इस परिवार को न्याय मिले। और हम एबीपी न्यूज एक पत्रकार ने, एक इंसान होने के नाते मैं भी उम्मीद करता हूं, एक बाप होने के नाते मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये बच्चा किसी चमत्कार के जरिए वापस अपने घर पहुंचे। कैमरामैन इरफान के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज मुंबई।